तो गाइस हमने आइलैंड के ऊपर 24 आवर्स बिताए, हमने जंगल के अंदर 24 आवर्स बिताए, गाइस हमने जमीन के अंदर 24 आवर्स बिताए, गाइस हमने आपके लिए कहां कहां 24 आवर्स का चैलेंज नहीं किया, लेकिन दोस्तों आज है लेवल अप करने का टाइम। जी हां, और आज हम बिताने वाले हैं 24 आवर्स इन एमएलएम। अभी तो हमारा टाइम भी नहीं आया, उससे पहले एम्बुलेंस में बिठा रहा है यार। किस्मत क्या किस्मत, इतने डेंजर चैलेंज लेकर आते फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइस लाइक करो। हाँ गाइस यार, ये तो बनता है, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, फटाफट से 3 मिलियन करवाओ। और अब हम आपको बता देते हैं ड्राइवर केबिन है उसको, ये रहा इसका सिंपली ग्लव बॉक्स, और आगे आप देख लो ये छोटी सी एम्बुलेंस है भाई। ये ओपन होती है क्या? ओ भाई ये भी ओपन होती है, देखो भैया ये तो मुझे चाहिए, ठीक है ना भाई। वीडियो खत्म होने के बाद में मैं तो ना इसको लेके जाने वाला हूँ, और बाकी भैया करने वाले हैं ड्राइविंग। तो आपको 24 घंटे से पहले हमारे को नहीं उतारना, ठीक है ना। कोई सीरियस पैसेंजर नहीं है अंदर, और अगर सीरियस भी हो जाए ना, हम फिर भी नीचे नहीं जाने देना, भले ही कौन सी भी प्रॉब्लम आ जाए, 2 नंबर 1 नंबर कुछ भी, सुसु वगैरह सब कुछ अंदर ही होने वाला है। अंदर तो नहीं होने वाला है, बस कंट्रोल करने वाला है, और जो ये चैलेंज होगा वो काफी ज्यादा हार्ड होगा। और बाकी ये है सिंपली एक छोटी सी डिस्प्ले जिसमें बैक कैमरा वगैरह दिखता है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी एम्बुलेंस के अंदर। अंदर जा रहे हो ना? हाँ, वापस बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है? ठीक है। तो गाइस अब हम जाएंगे इसके अंदर। yes! किशोर चला गया सबसे पहले, तू भी चला जा। जाऊं यार रहने दो, जा। मैं भी अब अंदर जा रहा हूँ, और फाइनली जो चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख लो ये हो चुकी है गाइस, जो हमारी एम्बुलेंस है वो बंद, और अब हम 24 आवर्स के लिए इसके अंदर कैद हो चुके हैं। भाई ये चीज तो मैंने अब नोटिस की, स्पेस काफी ज्यादा कम है, और यहाँ पे देख हम 4 बंदे हैं भाई, गाइस 4 बंदे हम यहाँ पे आप देखो। लेकिन जो इंटीरियर है ना वो यार एक नंबर है भाई, एक नंबर है ना मस्त। यहाँ पे आप देखो ये है वॉश बेसिन, और वॉश बेसिन के ठीक ऊपर है यहाँ पर एक LED टीवी। भाई आराम से पेशेंट मजे लेते हुए जाएगा, आराम से फीचर देखो वो बढ़िया चला जाए भाई। यहाँ पे LED टीवी है, और जो इंटीरियर है वो तो आप देख लो कितना ज्यादा प्यारा है। ये तो हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज आ रहा है कुछ समझ आ रहा है, एक इसने पढ़ाई की थी ना नर्सिंग, तो क्या कर रहा है, मुझे क्या पता क्या किया है। तो एक का भी नाम पता नहीं है तुझे गाइस, इसको एक का भी नाम पता नहीं है, एक का भी नहीं अच्छा रहा, तो डॉक्टर नहीं बना, अच्छा रहा तो डॉक्टर नहीं बना, अच्छा रहा, ठीक है ना। बाकी है ना यहाँ पे जो ये बेड है ना वो आप देख लो, बस इतनी सी चीजें हमारे को समझ में आई है। बाकी है ना हम आपको सारी चीजें बताएंगे, कोई नहीं नेट वगैरह पे सर्च करेंगे, बाकी सबको यूज करेंगे एक एक बार। चल ले दो। फाइनली जो एम्बुलेंस है वो स्टार्ट हो चुकी है, आराम से सो रहा हूँ मैं तो मस्त। और ये देखो कैसा लग रहा है इसके अंदर, कोई मरीज लग रहा है ये मरीज, हम बैठे साइड में इसकी सेवा कर रहे हैं। बचा लो भगवान, नहीं बचाएगा तेरे को तो भगवान भी नहीं बचाएगी, तो डॉक्टर हाई फाई बैठे थे। इसका ऑपरेशन करूंगा आज मैं, इसका ऑपरेशन करूंगा आज मैं। अरे गाइस इसका कोई मतलब भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है तेरा, कोई मतलब नहीं है। तो जो के वो ना किडनी दोनों निकाल के बेचूंगा। वापस बोले क्या? किडनी 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 मतलब है किडनी। अरे तू क्या डॉक्टर बनेगा, लैंग्वेज यही बोलते हैं, क्या डॉक्टर बनेगा तू किडनी भाई इसको है ना साइंस वाला कुछ वर्ड होता है ना वो भी ढंग से बोलना नहीं आता, और ये डॉक्टर बनेगा, क्या डॉक्टर बनेगा, कहां पर गया था वो समझ में नहीं आता है। भगवान अक्कल दे रहा था पता तू। ओए मरीजों सबसे पहले कहां चलना है, कौन सा हॉस्पिटल लेके चले? मित्तल जलन जनाना क्या बोला तूने? तू यहाँ पे सो रहा है, तू कहाँ पे सोएगा? तू तो कहीं पर भी नहीं आएगा। तेरा ऑपरेशन करूंगा मैं, सो जा यहीं। भाई दूर है तू मेरे से, तू दूर है मेरे से, कोई मतलब नहीं है, दूर है तू। और नर्स इंजेक्शन निकाल ला, नर्स क्या जो भी है तू। इतनी फटी चल नर्स कहाँ से लेके आया तू? बजट कम है इसका, बजट कम है इसका। तो भी क्या गाइस, ये डॉक्टर तो पढ़ा हुआ भी नहीं है देख लो इसको, है ना कुछ नहीं पता डॉक्टर के बारे में, पता नहीं यार इसने बीएससी की थी या क्या की थी यार, मक्खियां मारी थी, जग मराया था और कुछ नहीं है। तुझे कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसे लगे लास्ट है अपन भाई यार है ना अजीब सा फील हो रहा है। ओए ओए मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस, अभी है ना हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे फ्रेंड लोग हैं ना उनके साथ में करने वाले हैं प्रैंक।
मैं यहाँ पर सो जाऊंगा डेड बॉडी बनकर, ठीक है ना? और तू मैंने उनके साथ में प्रैंक करना। गाइस मेरा फ्रेंड के सामने हम जाने वाला है भाई, मैं डेड बॉडी वाला प्रैंक करूंगा, डेड बॉडी सच में मरने वाला प्रैंक, मजा आएगा, एक नंबर रिएक्शन देखने को मिलेगा। गाइस रियल लगना चाहिए, एक नंबर, ठीक है ना? तो प्रोफेशनल भिखारी बनते हैं, प्रोफेशनल बोलेंगे मरीज नहीं, मुझे डेड बॉडी बनाना है तुझे, ठीक है ना? मारो पकड़ के इसमें। ओए इस पट्टी को नीचे कर यार, क्यों कर रहा? सही है ये, अरे ये उर्फी जावेद टाइप है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, तू भी वायरल होगा। अभी थैली और पहनेंगे, देखो कौन सी थैली पहनाएगा, वो मार्क्स वाली। अच्छा ठीक है, ये वाला। हां और वो लगा दिया सुसु पाइप, लगा ले ये। अरे यार लेकिन मरे हुए ऐसे थोड़ी पहन दे, दिमाग ये भी तो लगाओ। गाइस डेड बॉडी ऐसी चीजें थोड़ी पहनती है, कोई नहीं पहन लेते हैं, रियल लगेगा, थोड़ा रियल लगेगा, जल्दी कर। हाँ ये हो गया। तो गाइस आप कमेंट करके बताओ कि मैं डेड बॉडी लग रहा हूँ या नहीं। नहीं नहीं रुको, अभी देख कमी है, रुक जा। कौन सी कमी है? कफन कफन कफन। ओ भाई तुम मुझे सच में डेड बॉडी बनाओगे क्या? तो लगना चाहिए यार, प्रैंक भी कर रहे तो असली वाला लगना चाहिए, डरने चाहिए वो लोग, आंसू आने चाहिए उनकी आंखों में। बड़ा भाई हमको छोड़ के चला गया चांद मुझे। गाइस हमने लगा दिया इसके ऊपर कफन और अब होगा असली प्रैंक, आप देखते जाओ। मजा तो आएगा यार, एक नंबर। गाइस देखो मैं ना डेड बॉडी बन चुका हूँ, लाइक करो फटाफट से यार वीडियो, क्या क्या नहीं करता हूँ, मर चुका हूँ आपके लिए, फटाफट से वीडियो लाइक करो। यार तू तो मर चुका है, ये तो हंस रहे हैं। इमोशनल लेकर आओ, इमोशनल इमोशनल, बिल्कुल प्रेम करना, रियल होना चाहिए, इमोशनल इमोशनल, सब इमोशनल हो जाओ। रोना जब मैं मरूंगा तुम ऐसे रहोगे क्या? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ओए पहुंच गए, चलो भैया गेट खोल देना, पीछे वाला तो खोल देना वहां से। तो गाइस हमारा तो चैलेंज चल रहा है, वो मोटा गया उनको वहां पर बुलाने के लिए, आप देख सकते हो आने वाले थोड़ी देर में, ये भी मरीज पड़ा हुआ है, और अब हम उदासी वाला चेहरा बना लेते हैं ताकि उनको शक नहीं हो। सब एक्टिंग करना अच्छे से करना है, 100 में से 100 मिलनी चाहिए एक्टिंग, ठीक है? 50 रुपए काट लूंगा अगर किसी ने ओवर एक्टिंग की तो, ठीक है ना? 50 रुपए। अरे मजाक नहीं कर रहा तेरे गाड़ी तेज चला रहा था, ये सोए तुम कहाँ पे थे? किस पे? तुम कहाँ पे थे? मोटरसाइकिल पे था, अकेला ही था। तुम कहाँ थे? हम तो स्टूडियो थे। ये तुम पता नहीं इसको बाइक कब का चलाना थी, पता नहीं। मैं क्यों कर रहा है? मुझे आती है बाइक चलाना। इससे भी तगड़ा रिएक्शन हमारे को दिखने वाला है, वो भी दोस्तों मैकडी के ऊपर, यानी कि हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड और वहाँ पर एम्बुलेंस में जाएंगे और पिज्जा बर्गर लेंगे भाई। वो भी सोचेंगे कौन सा मरीज है, वीआईपी मरीज मरते भी है ना, इसको भाई बर्गर खाना है, वहाँ भी हमारे को तगड़ा रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं भैया, चलने दो। तो फाइनली गाइस हम मैकडी पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो अपना ऑर्डर है ना वो हम देंगे यार। तो गाइस जहाँ पे लोग हमारे को है ना देख रहे हैं, तो फाइनली हमारे बर्गर वगैरह सारे आ चुके हैं। वो रही अपनी गाड़ी, गाइस जो हमारी गाड़ी है ना वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि देखो किस तरीके से है ना हमारा पार्सल आ रहा है, और लेके आना हो रहा है ना, और आ रहा है अभी कोल्ड ड्रिंक भी है, ये तो फैन फ्राइज है, कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूँ, तू बस खाते जा बस। आई यहाँ पे देखो रिएक्शन ऊपर है, यहाँ पे रिएक्शन क्या तगड़े वाले मिल रहे यार, एक नंबर रिएक्शन आ रहे हैं। ये देखो बुकड़ो, ये देखो क्या हुआ, क्या हुआ? मरीज है, गरीबों को खाना मिल रहा है, गरीबों को बीमार, मेरे फेवरेट प्राइस, ये देखो मेरा सॉस,
भूख लग रही है यार, सुबह से बैठे हो इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखो गाइस, हमने किस तरीके से महफिल जमा ली है, वो भी एम्बुलेंस के अंदर। यहाँ पर हमारी चल रही है बर्गर पार्टी। मजा आ गया, कब से भूख लग रही थी यार भाई। लेकिन रिएक्शन दगड़े थे यार, वो बच्चे किस तरीके से देख रहे थे उस साइड। मैं मास्क लगा के इधर देख रहा था, ये मरीज कहाँ से आ गया। तो गाइस फटाफट से ना बर्गर पार्टी खत्म करते हैं, और फिर बाद में मैं सोच रहा हूँ यार इनको हम एक बार चला के देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमको तो यार चलाना नहीं आता है, लेकिन जो अगर ड्राइवर है उनको आता है चलाना, तो एक बार इनको चला के देखेंगे कि कैसा क्या सीन है, ठीक है ना। पहले ना खाते हैं फटाफट से, भूख लग रही है यार तेज, और यहाँ पर तो हम खाना भी नहीं बना सकते, यही खा के काम चलाना पड़ेगा। फाइनली गाइस खाना पीना तो कम्प्लीट हो गया, और हमने आपको बताया था कि खाना पीना होने के बाद में जो यहाँ पर ये इक्विपमेंट लगे हुए हैं एम्बुलेंस के अंदर, इनको एक बार हम आपको चला के बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा भी दिमाग घूम रहा है कि यार इतनी सारी चीजें क्या है, और आपका भी घूम रहा होगा, तो चलिए एक बार आपको बता देते हैं। और यहाँ पे जो भैया है ना, इन्हीं की ये एम्बुलेंस है, और दोस्तों ये है ना मेडिकल स्टाफ से भी है, तो इनको सब कुछ पता है कि कौन सी चीज कैसे चलती है। भैया हमारे को तो कुछ भी नहीं पता, इनके नाम भी नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बनवारी मेघवाल, साई हेल्थ केयर का ओनर। इन्होंने जैसा बताया आपको कि ये गाड़ी इस काम के लिए नहीं बनी जो इन्होंने किया है, ये गाड़ी फाइनली बनी है मेडिकल स्टाफ के लिए, जो मेडिकली पेशेंट होते हैं उनको ड्रॉप एंड करने के, हाई क्रिटिकली जो पेशेंट होते हैं, जो वेंटिलेटर्स वगैरह आप समझ सकते हो उन सब चीजों में वेरी क्वालिटीफाई सारी चीजें हैं इसके अंदर। मैं बताना चाहूंगा, अंदर सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है अपना ऑक्सीजन लेवल का। गाड़ी के अंदर सबसे बड़े जो दो सिलेंडर होते हैं, इसके पीछे हमारा सेटअप है, दो सिलेंडर इसमें डी टाइप के होते हैं ओनली, बड़े सिलेंडर, इससे बड़े सिलेंडर नहीं आते, वो दो सिलेंडर है। आराम से दो सिलेंडर कम से कम दिल्ली से अपने को आगे तक गाड़ी पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मतलब किसमें एक बार ऑक्सीजन लोड हो गई तो दिल्ली पहुंच जाएगा आराम से, दिल्ली छोड़ के वापस रिटर्न भी पेशेंट आ सकता है, इतने ऑक्सीजन आते हैं। उसके अलावा हमने एक सपोर्टिव के लिए एक स्मॉल सिलेंडर और एक्स्ट्रा लगा रखा है गाड़ी के अंदर, ताकि पेशेंट को अगर दिक्कत भी हो तो हम छोटा सिलेंडर लगा सके। दो पोर्ट ऑक्सीजन के हमारे पास है, अगर एक पोर्ट में कोई दिक्कत भी आती है तो दूसरा पोर्ट हम चालू कर सकते हैं, ठीक है। दो पेशेंट भी कभी ट्रांसपोर्ट करना हो तो हम दो पेशेंट को एक साथ ऑक्सीजन अटैच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेशेंट के लिए वाइटल मॉनिटरिंग के लिए 5 पैरा मॉनिटर हाई क्वालिफाइड मेंड्रे कंपनी का हमने लगाया हुआ, जो कि नॉर्मल सस्ते 20 से 25 हजार 30 हजार तक मिल जाते हैं। हमारा जो मॉनिटर है 70,000 रुपए का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर लाखों की गाड़ी है गाइस ये, अगर फिर भी मॉनिटर फेल हो जाए तो हमारे लिए सपोर्टिव के लिए हमने एक और एक्स्ट्रा मॉनिटर लगाया हुआ, ताकि कोई दिक्कत हो तो इसमें हम लोग वाइटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट के लिए वाइटल मॉनिटरिंग सबसे बड़ी चीज होती है। आगे बढ़ते हैं, पेशेंट की सांस में अगर कोई दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन से आगे बढ़ने के बाद बाइपैप मशीन का काम आता है, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा बाइपैप मशीन अलग से है। तो गाइस आपको भैया ने सारी चीजें बता दी होगी, और जो भी मेडिकल लाइन में होंगे ना वो तो सारी चीजें समझ गए होंगे, और बाकी देखो कुछ मतलब नहीं है नर्सिंग करके ये गाइस मुंह देख रहे थे ऐसे कोई नहीं। और अब है ना भैया है ना एक चीज यहाँ पे डेमो करके बताने वाले हैं मेरे ऊपर, तो फिर देखते हैं यार कितना मजा आता है, ये ट्राई करेंगे क्योंकि 24 घंटे के अंदर है और कुछ है ही नहीं यहाँ पर करने के लिए। भैया इसका इलाज करो आज, इसको मुर्गी आती सारे ड्रग्स दे दो मेरे को, ड्रग्स इलीगल है ना, इलीगल है ड्रग्स, सब इलीगल हो जाएगी सब। ये आपको बड़ा वाला स्क्रीन लगाया जाएगा, नहीं नहीं मुझे वैसे वाला सुया। मेडिकली टर्म्स में भी बताना चाहूंगा आपको मैं, इस तरह की जो बड़ी स्क्रीन होती है, जो माइनर कंडीशन में जो छोटी सी दवाई होती है, चाहे एक घंटे में आपको इतनी सी देनी है, तो ये इसके अंदर सेटिंग की जाती है, एक दवाई मशीन के द्वारा लगाई जाती है। जितनी आपको करनी है 1000 2000 2 4 सब अपने शायद सिस्टम बंद कर दिया, ये चालू है, और इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखो ऑटोमेटिक फुल्ली हमारे टच स्क्रीन इसमें अवेलेबल है, इसके द्वारा नली लगती है और आपके आईवी कैनुला में चली जाती है। ऑटोमेटिक ही लगेगी सिरिंज, ऑटोमेटिक एक बार है ना सारी चीजों, अब आ रहा है हमारे को समझ में, पहले आप बता रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा ऑक्सीजन का पॉइंट, जो कि आप आराम से लगा सकते हो इस तरीके से। अभी हमने ना प्रैंक किया था इसको लगा के लोगों के ऊपर, ठीक है। यहाँ से हम ऑक्सीजन चालू करेंगे, डबल पैनल हमारे चालू है, ये आपको ऑक्सीजन चालू हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है, चलो इनका देख ही लेते हैं अपन, है ना। गाइस ऑक्सीजन आ रही है मस्त, चलो इसके अंदर तो आप ही जाओगे, अगर जिंदा होगे तो जरूर आओगे। फाइनली गाइस आपको सभी इक्विपमेंट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमें तो आ गया, आ गया सब कुछ, आ गया तुझे, आ गया मेरी 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 चेक कर, मेरी चेक कर, कुछ यार इंसानों का गाय थोड़ी है। मर गया, मारो भाई, मर गया।
इलाज करो इसका। सुनाई नहीं आ रहा सच में। अरे इधर इसको इधर इंजेक्शन लगा इसके। अरे भाग है सुनाई आ गया क्या? एक हाथ में तो रुई पसारे की कहां से सुनाई देगा तेरे को? अच्छा मेरे से धड़कन सुनाई देती है ना यार। हाँ तो धड़कन सुनाई दे रही है, हमारी आवाज थोड़ी सुनाई दे रही होगी। गाइस कुछ भी सुनाई नहीं दिया मुझे तो। बाकी अगर मैं आपको बाहर का माहौल बताऊं तो यहाँ पर आप देखो भाई, ओहो रात हो चुकी है गाइस। तो गाइस आपने बाहर का लुक तो देख लिया होगा, लेकिन भाई अंदर का लुक भी कम नहीं है। यहाँ पे आप देखो भाई कितनी मस्त लाइटिंग हो रखी है, एक नंबर भाई। हर बार ऑडियंस के लिए नई नई चीज लेकर आते, एक से एक बढ़कर एक, 7 स्टार 5 स्टार 10 स्टार सब स्टार। स्टार एम्बुलेंस है ये। अबे पागल एम्बुलेंस में देख, ये एलईडी कैमरा, स्टेशन एसी, वाईफाई, बड़ी लाइटिंग, डेकोरेशन, ये बिस्तर, ये सोफा, ये अगर कोई मरे ना तो भी आराम से दिल गार्डन करता मरे, ठीक है ना? ऐसे नहीं मरना चाहिए, आराम से मस्ती से मरना चाहिए। ये क्या जाने अदरक का स्वाद, मुझे इसी में मरना है। आधा डॉक्टर इसी में मरना है मुझे अभी, चलती गाड़ी इसी में मरना है। कोई मार इसको, मार चाकू, चाकू चाकू है अभी नहीं, चाकू घुसा दे अभी नहीं, अभी नहीं। तू तो बोल रहा है इसी में मरना है, वेट करो यार थोड़े दिन, जिंदगी दिन जीने दे मुझे। चल ठीक है, तू जिंदगी जी के भी क्या करेगा धरती का? मेरी बात सुन ले यार, लड़ाई वड़ाई मत करो, कुछ देखते हैं टीवी वगैरह चलाओ। जी हां गाइस, अब हम चलाने वाले टीवी। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं धमाल। किशोर तूने इसको कितनी बार देख लिया? बचपन से देख रहा हूं मैं। मोनू तूने कितनी बार देख लिया? बहुत बार यार। तूने अच्छी है बहुत बार यार, है ना? मतलब कि अपन कोई ऐसी क्लासिक मूवी देखते हैं ना तो यार उससे कभी मन ही नहीं भरता। जी हां दोस्तों, हमेशा मजा आता है। सारी लाइनें याद है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। सिर दर्द कर रहा है भाई, है ना? सर तो है ना मेरा भी दर्द कर रहा है, क्योंकि गाइस जहाँ पे इतनी सारी दवाइयाँ है, बदबू आती है यार उनकी यार, और हमारे को आदत नहीं है तो अजीब से है ना सर में दर्द हो रहा है। बाकी तुझे कैसा लग रहा है चश्मिश? इसको पोटी लग रही है सच में भाई, सबको लगती है पोटी, क्या दिक्कत है बताना? क्या दिक्कत? नेचुरल पदार्थ मुझे भी लग रही है। अरे ये तो नेचुरल पदार्थ है यार, निकल जाता कभी भी, मन चाहे तो मन चाहे तो ये डायरेक्ट है। अभी तो नहीं निकाल दिया बदबू, क्या पता इसी वजह से आ रही होगी, हो सकता है। तो यहाँ पर गाइस एक चाय की थड़ी है, तो मंगवाने वाले हैं हम चाय और आराम से मस्त चिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन है ना मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ मास्क, जो होता है ना ऑक्सीजन मास्क, वो लगवाऊंगा और फिर चाय के बोलता हूँ कि यार भैया चाय लेके आओ, चाय लेके आओ, मजा आएगा यार। तो चलिए गाइस अब चाय की बोलते हैं। भैया चार चाय हाँ पता नहीं यार कैसा रिएक्शन आया होगा, मोटे ने शूट किया होगा। मोटे कैसा रिएक्शन था रे? ओए कैसा रिएक्शन था? वो भी देख रहे हो? देख अभी भी देख रहे हो? ओ भाई साहब यार गजब रिएक्शन मिला यार, थैंक यू भैया। तीन और चाहिए दो भैया। ले कूलर में नहीं है क्या? है ना 10 की है। ये कितने की है? 5 की। 10 वाली लिखा हुआ यार। गाइस हम प्रोफेशनल मरीज है, 10 वाली चाय पियेंगे, कुल्लड में पियेंगे। ज्यादा आएगी उसमें? ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी, तभी तो बोला मैंने। नहीं 5 रुपए कुल्लड की है, सेम ही आएगी चाय तो, लेकिन बड़ा तो है ना पागल। हाँ वो दिखने बड़ा है बस। कुल्लड चाय पियेंगे गाइस हम भाई, मजे आ रहे हैं यार, ऐसा लगा के लोग सोचते हैं क्या सीन है यहाँ पर देखो। तो फाइनली गाइस जो हमारी चाय है वो आ चुकी है, क्या तगड़ा रिएक्शन हमारे को देखने को मिला यहाँ पर, मजा आ रहा है यार लोगों को इस तरीके से एंटरटेन करने में। लोग है ना सोच रहे हैं ये मरीज की गाड़ी है, किसकी गाड़ी है यार, आराम से मजा कर रही है, चाय पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। गाइस यहाँ पर है ना भाई, इस पागल की वजह से हमारा जीना और हराम हो गया। अब हमारे को पता चला इसने है ना वहाँ पर 2-5 की दवाइयों की शीशियां फोड़ दी, इसलिए बदबू आ रही है। रात में गिर गई यहाँ से, बदबू आ रही है पूरे के अंदर, पता है तुझे? क्या करे थे यार, मेरे को भी आ रही है, मैं भी तो बैठा हूँ यहाँ। तो नहीं करने देते यार किसी को, गैस निकाली किसी को दवाइयों की शीशियां फोड़नी है।
अब ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इसको पोटी लग रही है। ये टॉयलेट पेपर है। सूखला रे। तुझे पोटी करनी है तो पोछ ले इससे पोटी करके। उसको निकालूंगा। इसको या तो बाहर भगाओ या अपन चलते हैं बाहर। मैं तो नहीं जा रहा। बाहर भगा दे इसको। अब तुम्हारा चैलेंज का क्या हुआ गाइस? यहाँ पर तो है ना सब काम उल्टा हो गया। वो दो तो बाहर निकल चुके हैं और हम भी अब क्या करेंगे। एक तरीके से उन्होंने चैलेंज तो तोड़ दिया, तो यार ये वाला चैलेंज हमने पूरा नहीं किया है। सॉरी यार, मजाक मजाक में है ना उनको हमने बाहर फेंक दिया, क्योंकि यार उन्होंने गड़बड़ की थी भाई, दवाइयाँ डाल दी इसके अंदर। यार गाइस अगर ये दोनों पागलपंती नहीं करते ना तो यार आराम से हम इस चैलेंज को पूरा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की वजह से वह जो भी हुआ था। अब ये दोनों बाहर निकल गए तो हम क्या कर सकते हैं, हम ही बाहर निकल गए यार। और फाइनली जो ये चैलेंज होता है ना वो यार हम पूरा नहीं कर पाए और बीच में ही हमने इस चैलेंज को क्यूट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वो भी इन दोनों की वजह से। दवाइयों की बदबू देख अंदर, साफ करवा पोछा लगा जा। वो भी है भाई, इतनी तेज बदबू आ रही है यार दवाइयों की। आपको पता होगा मतलब कि अपन जाते हैं ना ऐसे हॉस्पिटल वगैरह में तो वो दवाइयों की कैसी बदबू होती है, और अंदर इन्होंने दवाइयों की शीशियाँ फोड़ दी। हालत पूरी ख़राब है। कोई नहीं, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को आपको करना है लाइक, चैनल पर नहीं हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तुम तुम्हारी शक्ल में दिखाओ।